हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी मैथ चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक हम लिए हैं ये एचएमटी का टॉपिक है, जो कि रेडिएशन रेडिएशन चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट। टॉपिक क्या है? एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। देखो ये तीनों टॉपिक को आज के इसमें क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट अच्छे से इसका डिफिनेशन और पूरा पूरा डिटेल डायग्राम वाइज देखेंगे एक एक करके। तो चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहले डिफिनेशन देखते हैं एब्जॉर्बिविटी का। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सरफेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्बिविटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। ये रेशियो क्या होता है? जैसे एब्जॉर्ब होता है, जो जैसे रेडिएशन क्या हुआ आया, उसमें जो भी सरफेस है उसमें कितना एब्जॉर्ब हुआ उसी को अपॉन टोटल का रेशियो क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बिविटी। इसका वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 के बीच में। तो इसको डायग्राम में देखते हैं और समझते हैं एक बार, क्लियर समझ में आएगा उससे। ये सपोज कोई ये सरफेस है, सपोज इस पे क्या हुआ, रेडिएशन आया, तो जैसे सरफेस पर आया क्या होगा, इसका कुछ कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब पार हो जाएगा इससे। तो ये क्या होगा, ये हो गया एब्जॉर्ब, ये हो गया आपका ट्रांसमिट। तो एब्जॉर्बिविटी में क्या होता है, इंसिडेंट और इरेडिएशन, इसको क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ये रेडिएशन का है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो, तो ये आपका जैसे एब्जॉर्बिविटी क्या होगा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं एब्जॉर्बिविटी को, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन जी एब्जॉर्ब अपॉन जी टोटल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेट डेफिनेशन जो है अपना वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिविटी के बाद, उसके बारे में देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, सेम होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जो दिख रहा है आपको एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जैसे एब्जॉर्ब की जगह पर रिफ्लेक्टिविटी में क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा जो भी इंसिडेंट, मतलब रेडिएशन का जो रेडिएशन आ जाएगा वो रिफ्लेक्ट जितना हो जाएगा उसी का रेशियो अपॉन टोटल रेडिएशन जो आएगा सरफेस पे, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिविटी। तो डिफिनेशन हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी। इसका ये रेशियो होता है, ये रेशियो जैसे इसको क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा जी रिफ्लेक्टिविटी, जी रिफ्लेक्ट और रेडिएशन को क्या करते हैं, रेडिएशन को जी से डिनोट करते हैं, तो टोटल हो जाएगा टोटल रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। उसके बाद इसका भी वैल्यू क्या आता है, 0 और 1 के बीच में। जीरो से बड़ा और
वन से छोटा और इक्वल, मतलब वन से छोटा और बराबर होता है, तो जीरो और वन के बीच में वैरी करता है इसका वैल्यू। नेक्स्ट आपको सेकंड होगा ट्रांसमिसिविटी, इसका भी देख लेते हैं डिफिनेशन। इसका भी डिफिनेशन सेम हो जाएगा, डिफ्रेक्शन ऑफ रेडिएशन ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द रेड ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिट किया तो जो भी सरफेस पे जैसे रेडिएशन आया उसमें क्या होगा, जितना भी क्रॉस कर गया उस सरफेस पे, उस पर सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा ट्रांसमिसिविटी। इसका इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन टू इंसिडेंट रेडिएशन, वही हो गया इसका। इसका भी वैल्यू क्या करता है, जीरो और वन के बीच में, जीरो से बड़ा और वन से छोटा ये बराबर होता है। इसका इन सब का जो मीनिंग है आपका, जैसे ये एब्जर्व की अल्फाज डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू जीरो भी होता है, जीरो और जीरो से बड़ा और वन से छोटा होता है, इसका मीनिंग ये होता है, इसको समझ लेना अच्छे से। इसमें सारे में एक ही, सब में एक ही होता है, सब में जीरो और जीरो वन के बीच में होता है, जीरो भी होता है वन भी होता है, तीनों का एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी। तो ये इतना डिफिनेशन था, इस समझ में आ गया होगा, डायग्राम से ये सब समझा दिया। अब इसको क्या करते हैं, अल्फा से इग्नोर करते हैं एब्जर्प्टिविटी, उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी हो गया ये, इसको रो से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्टिविटी को, ये हो गया ट्रांसमिसिविटी, इसका टाउ से डिनोट करते हैं इसको। अब तीनों का जो सम होता है, अल्फा प्लस रो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखने से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको जब भी आप पिछले एग्जाम में बैठेंगे आपको देखिए, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद करेंगे आप। अब देखो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बना, एक एक करके कंडीशन देख लेते हैं। पहला फर्स्ट हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आपका ब्लैक बॉडी के लिए, पहला क्या होगा ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि जैसे इस ये इक्वेशन हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन, इसको याद कर लेना एकदम अच्छे से, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलता है सर, एकदम बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि ये क्या होगा, ब्लैक बॉडी जो भी होगा उसमें क्या होगा, सब जो भी आएगा ये रेडिएशन या टोटल रेडिएशन, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा, टोटल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्प्टिविटी क्या हो जाएगा, ये रो बराबर वन हो जाएगा, जैसे रो बराबर क्या था, जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल जी। अब देखो ये टोटल क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जी हो जाएगा, जी अपन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वन। तो ब्लैक बॉडी के लिए याद रखना है जो सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, यहाँ पे अल्फा है ये, तो रिफ्लेक्टिविटी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो देखो तो अभी इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा वन, तो अल्फा बराबर वन। अब देखो कैसे होता है, इस इक्वेशन में आप जब पुट करोगे वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, जो ब्लैक बॉडी होगा, ब्लैक बॉडी में क्या होगा, टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बाकी सब ये दोनों क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। तो जैसे अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन होता है, ये तो
तो पता होगा आपको, यहाँ पे देखो इसी से निकलता है ये कैसे ब्लैक बॉडी के होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट जो करेगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको जीरो पुट करेंगे तो अल्फा कलर जीरो इक्वल टू वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू वन, इसी से यहाँ से यही से निकलता है उस इक्वेशन से। ये हो गया आपका ब्लैक बॉडी का। अब नेट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका व्हाइट बॉडी के लिए सेकेंड केस देख लेते हैं, सेकेंड केस देख लेते हैं व्हाइट बॉडी के लिए। व्हाइट बॉडी, जब व्हाइट बॉडी होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब। ये देखो आपका हो गया अल्फा रो टाउ, तो देखो इसे निकलता है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन। जब आप क्या करेंगे ये व्हाइट बॉडी के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये भी, ये रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्ट होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा व्हाइट बॉडी के लिए, व्हाइट बॉडी के लिए रिफ्लेक्टिविटी इक्वल टू वन हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाएगा। इसी तरह उसमें क्या होता है ऑप्शन वाइज दिया रहता है, अल्फा इक्वल टू जीरो, बाकी टर्म आपको जगह अल्फा इक्वल टू जीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू जीरो, और उसके बाद थर्ड जो बॉडी होता है वो होता है ओपेक, ओ यू ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडी के लिए क्या कंडीशन होता है, ओपेक बॉडी में आपका जो होगा रिफ्लेक्टिविटी वो सॉरी, उसमें क्या हो जाएगा, देखो ओपेक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा ट्रांसमिस ट्रांसमिसिविटी, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ओपेक बॉडी के लिए ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका टाउ इक्वल टू जीरो। अब इसी इक्वेशन में लगाते हैं अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा ये तो आपका जीरो हो गया, तो यहाँ से अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन। ओपेक बॉडी के लिए जब भी आएगा एग्जाम में उसके लिए कंडीशन आपको क्या याद रखना, इसमें टाउ इक्वल टू जीरो होता है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है टाउ इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आपको पता है तीनों का सम एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट तीनों का सम क्या होता है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू वन। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, जैसे आप पीएसयू के एग्जाम में बैठेंगे इसमें भर भर का क्वेश्चन आता है इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारा याद हो गया, और थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं इसको। रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आपको बताया पहले है ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी में आपको सिंपली याद रखना है ब्लैक बॉडी में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू वन, बाकी जो टर्म है मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा कंप्लीट, बाकी जो हो जाएगा रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट वो क्या हो जाएगा जीरो, टॉ इक्वल टू जीरो। उसके बाद व्हाइट बॉडी में आपका क्या हो जाएगा,
रो इक्वल टू वन हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा कंप्लीट जितना भी रेडिएशन, इरेडिएशन जितना भी इंसिडेंट होगा, रेडिएशन जितना भी इंसिडेंट होगा टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा वाइट बॉडी में, बाकी टर्म क्या हो जाएगा आपका जीरो, टाउ इक्वल टू जीरो। अब देखो उसके बाद क्या था तीसरा, ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी में आपका, ओपेक बॉडी में क्या था एब्जॉर्प्टिविटी जीरो हो जाएगा, नहीं सॉरी इसमें ट्रांसमिसिविटी क्या हो जाएगा जीरो, बाकी अल्फा प्लस रो इक्वल टू वन। ये कंडीशन है, ये देख लो पूरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन में कि ओपेक बॉडी क्या, ओपेक बॉडी के लिए उसके बाद ऑप्शन में दे देगा टॉ इक्वल टू वन जीरो, ये सब मिला के चार ऑप्शन बना देता है, इसलिए इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।